क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर डेली रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं सूजी और खोए के लड्डू, जिसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। सूजी लिए हमने 1 कप, खोया लिया है हमने 1 कप, पाउडर चीनी लिए हमने 1 कप, घी लिया है 1/2 कप, बादाम का पाउडर लिए हमने 1 टेबल स्पून, थोड़े से बादाम लिए उसको मैंने चॉपर में पीस लिया, ऐसे थोड़ी सी मैंने नारियल लिया उसको मैंने पीस लिया है, 1 टेबल स्पून नारियल है ये, और इलायची पाउडर लिया है मैंने 1/40 स्पून। सबसे पहले पैन में हम घी डालेंगे, घी को मेल्ट करेंगे। घी मेल्ट हो गया, साथ ही हम इसमें सूजी डाल देंगे, सूजी डाल देंगे इसमें। सूजी को हमने घी में भूनना है, फ्लेम को आपने बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है, बस इसको हमने कलर देना है। जैसे ये भून जाएगी तो इसे निकाल लेंगे। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो सूजी हमारी जल जाएगी। सूजी को हमने घी में अच्छे से भून लिया, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं इसे भूनने में। ये देखिए हमने लाइट सा कलर दिया इसे, अब इसे बोल में निकाल लेंगे। इसे साइड पे कर देंगे और खोए को हल्का सा भून लेंगे। अब पैन में हम खोए को डालेंगे। खोए को भी हल्का सा भून लेंगे। खोए को हमने अच्छे से भून लिया, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं। अब इसे भी हम सूजी वाले बोल में डाल देंगे। अब इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, अभी हम इसमें चीनी नहीं डाल सकते। अगर हम चीनी डालेंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी, जो हमने पाउडर चीनी का बनाया हुआ है वो मेल्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे, इतना ठंडा कि हम हाथ लगाएं तो हमारा हाथ जले ना। ये हमने मिक्स कर दिया दोनों को। अब इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ नारियल, बादाम का पाउडर मिक्स करेंगे। अभी इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसमें चीनी मिक्स करते हैं। अब ये हल्का ठंडा हो गया है, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा ठंडा करेंगे तो लड्डू बनना मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसमें हम पाउडर शुगर डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे, तो ये मिक्स हो गया। अब थोड़ा सा हाथ पे घी लेंगे, लगाएंगे हाथ पे घी और थोड़ा सा पकड़ के इसको इस तरह लड्डू की शेप दे देंगे। इस तरह के लड्डू बना के रखते जाएं। छोटे बनाना चाहते हैं छोटे बनाएं, बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़े बनाएं। मैंने मीडियम साइज़ के बनाए हैं तो इसे प्लेट में हम रखते जाएंगे। इसी तरह सारे बना लेंगे। तैयार हैं सूजी के और खोए के लड्डू। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।